खांग जाने से पहले एक्स बॉयफ्रेंड को टिश्यू पेपर पकड़ाता है और कहता है, तुम अगर अच्छे से अपने आप को ताकतवर और महान दिखाना चाहते हो क्योंकि तुम्हारी वाइफ एक पॉलिटिशियन की बेटी है, तो सबसे पहले अपने चेहरे का पसीना साफ करो। उसकी इस बात पे एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से से दांत खिंचता है। वो इस टाइम शर्म, बेइज्जती और गुस्सा एक साथ फील कर रहा था। बाय द वे, खांग ने उसकी बेइज्जती सच में की थी। तभी यूरा की मैनेजर यूरा के साथ भी जाने लग जाती है, वो भी उसका मजाक उड़ाते हुए। इस पे एक्स बॉयफ्रेंड और भी चिढ़ जाता है और उसकी ओर गुस्से से देखता है और चिल्लाने लग जाता है और कहता है, यूरा सोंगयोन खांग को सीड्यूस करना चाहती है। इस पे यूरा की मैनेजर का माथा ठनक जाता है और वो भी उसका जवाब देने लग जाती है, बट यूरा उसे रोकती है और खुद ही एक्स बॉयफ्रेंड की ओर बढ़ती है और कहती है, ये दुख की बात है कि तुम इतने मूर्ख हो। क्या तुम कुछ बोलने से पहले एक बार सोचते भी हो? एक्स बॉयफ्रेंड गुस्से से उसको हड़काने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारी सैसी यूरा अचानक से उसके माथे पे ही टिश्यू पेपर चिपकाती है और कहती है, क्या तुम भूल गए? सीनियर खांग ने तुम्हें हेकड़ी दिखाने से पहले पसीना पोछने को बोला है। मतलब याददाश्त इतनी कमज़ोर है तुम्हारी? पता नहीं अपने इस खोपड़े में तुम स्क्रिप्ट भी कैसे याद रखते हो। एक्स बॉयफ्रेंड का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिस यूरा की बेइज्जती कुछ समय पहले वो कर रहा था, वही यूरा उसकी बेइज्जती कर रही है। एक्स बॉयफ्रेंड एकदम गुस्से से भर जाता है और मैनेजर फ्रेंड भी उस पर हंसते हुए यूरा के साथ चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है। डायरेक्टर यूरा और खांग को उनका सीन एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जहां खांग दोजिन का रोल प्ले करता है और यूरा सूजी का। डायरेक्टर एक्सप्लेन करते हैं, ये सीन बिना ऑडियो के होगा, इस पे बाद में डबिंग होगी, बट अपने कैरेक्टर्स के इमोशन पर फोकस रखना, स्पेशली सूजी। खांग एकदम हैप्पी और जॉली रहेगा क्योंकि उसे कुछ नहीं पता कि सूजी क्या करने वाली है। लेकिन पर सूजी ना ज़्यादा सैड हो सकती है ना ज़्यादा खुश, क्योंकि वो अपनी लाइफ का डी एंड करने जा रही है और ये उसकी दो जिन के साथ आखिरी मेमोरी होगी। दोनों बीच पे खड़े होते हैं, उनका मेकअप होता है, फिर शूटिंग फाइनली स्टार्ट होती है। इस सीन में केवल एक्सप्रेशन वाली एक्टिंग चाहिए थी, इसलिए दोनों बीच बीच में एक दूसरे से बात भी करते रहते हैं। यूरा काफ़ी नर्वस लग रही थी, खांग उसकी मदद करता है। दोनों की एक्टिंग लग रही थी कि वो रियल लाइफ कपल हों। डायरेक्टर सेटिस्फाइड दिखता है। खांग उसी समय यूरा से पूछता है, लगता है तुम जोंगबू को पहले से जानती थी, तुम मीरान की वेडिंग में भी आई थी ना? यूरा नर्वस हो गई कि जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। वो किसी तरह अपने एक्सप्रेशन फिर से सही करती है क्योंकि शूटिंग हो रहा था। यूरा कहती है, क्या आपने मुझे देखा था? खांग कहता है, हाँ बस थोड़ा सा झलक देखा था। यूरा और भी नर्वस हो जाती है और कुछ भी बोलने लग जाती है और कहती है, मैं मीरान की दोस्त हूँ, मैं उसे जानती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप भी उसे जानते होंगे और उसकी वेडिंग में आएंगे। तब खांग बताता है, हाँ हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। यूरा इस कन्फेशन से और भी नर्वस हो जाती है और टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है, क्योंकि यूरा अपनी और अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में खांग को कुछ नहीं बताना चाहती थी। इसलिए टॉपिक चेंज करने के लिए वो अपनी एक्टिंग के बारे में बुरा भला बोलती है। तभी खांग कहता है, तुम कर सकती हो, यू कैन डू इट।
मैंने कल तुम्हारी एक्टिंग देखी थी, वो बहुत अच्छी थी। यूरा उसकी इस बात से काफ़ी टच्ड फील करती है। हंग कल के सीन से वरीड था उसके लिए। वो उससे पूछता है कि कल वो सीन करते समय क्या सोच रही थी। खांग इसलिए भी वरीड था क्योंकि उस सीन में ऐसा लग रहा था कि यूरा सचमुच में जिंदगी से हार मान चुकी है। यूरा कुछ समय के लिए स्पीचलेस हो जाती है। किसी तरह लड़खड़ाते हुए वो कहती है, मैं उस समय अपने एक्टिंग करियर के बारे में सोच रही थी। इतने साल बाद भी मैं कहाँ हूँ, मैं कितनी मूर्ख हूँ। खांग उसकी इस बात पे शॉक्ड था और चिंतित भी। वो कहता है, तुम बिलीव नहीं करोगी, किसी समय मैं भी एक स्ट्रगलिंग एक्टर था। यूरा शॉक्ड हो जाती है और उसको ध्यान से सुनने लग जाती है। खांग कंटिन्यू करता है, मेरा भी एक ऐसा समय था जब मैं भी एक कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में भी एक्स्ट्रा था। वो दिन मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था। वहाँ का डायरेक्टर बहुत ही ईविल पर्सन था। तुम स्टार जोंगली को जानती हो? उस समय मैं ये सब भूल के ऑलमोस्ट एक्टिंग छोड़ने वाला था, पर मेन मॉडल जोंगली मेरे पास आए। उन्होंने मेरा नाम पूछा। इस पूरे उतार चढ़ाव में उनके एक क्वेश्चन ने मुझे बहुत मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, कि एक दिन मैं भी अपना नाम कमाऊंगा, अपना नाम बनाऊंगा। खांग की इन बातों से यूरा भी शॉक्ड हो जाती है और पूछती है, क्या आपने भी मेरा उस दिन नाम इसीलिए पूछा था? खांग स्माइल के साथ आंसर करता है, हाँ। यूरा खांग की बातों से बहुत मोटिवेट होती है और टच्ड भी फील करती है। वो अपने आप से कहती है, कल से मैं अपनी नॉर्मल ग्लूमी लाइफ में फिर से लौट जाऊंगी और मैं जानती हूँ कि ये लविंग गेज बस एक्टिंग का पार्ट है, बट मैं इस मोमेंट में हमेशा रहना चाहती हूँ। मैं खांग की इन लविंग डेज को एंजॉय करना चाहती हूँ हमेशा के लिए। मैं ये हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती। कितना अच्छा होता कि मैं फीमेल लीड हेरिम का रोल कर पाती, तब खांग के साथ मैं कुछ और समय बिता पाती। आज मेरा आखिरी दिन है शूट का, इसके बाद मैं चली जाऊंगी। शायद मैं खांग को काफ़ी मिस करूंगी। वो ये सब मन में कहते हुए रोने लग जाती है। तभी खांग उसका हाथ तेजी से पकड़ता है और गले लगा लेता है। यूरा ब्लश करती है। तभी खांग यूरा को कहता है, देखा, मुझे पता था तुम ये कर सकती हो, तुम एक्टिंग कर सकती हो। यूरा एकदम इमोशनल हो गई थी। वो खांग की बाहों में उसे थैंक यू बोलती है। ये यूरा के शूट का आखिरी दिन था। वो खांग को थैंक यू बोलती है कि उसने उसका एडवर्टीजमेंट के सेट पे नाम पूछा, यहाँ फिल्मिंग सेट पे भी उसका ख्याल रखा, और कहती है, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। अगर उस दिन खांग ने यूरा का नाम ना पूछा होता कमर्शियल फिल्मिंग सेट पे, तो शायद यूरा भी आज गिव अप कर दी होती एक्टिंग पे।